कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ करवाने में जुटे हुए हैं, जहां 35 कांग्रेसियों ने एक साथ इस्तीफा देकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। रायबरेली में 35 कांग्रेसियों ने एक साथ सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। बताया जा रहा है कि जिला कार्यकारिणी में अन्य दलों से आए लोगों को तवज्जो देने के बाद संगठन से जुड़े पुराने पदाधिकारियों में रोष देखा जा रहा है। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों की माने तो हाल ही में हुए संगठन के चुनाव में पुराने कांग्रेसियों की अनदेखी की गई और उन्हें निष्कासित कर दिया गया, जिसके चलते एक साथ 35 पदाधिकारियों ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। नाराज कांग्रेसियों की माने तो अन्य दलों से आए लोग अमेठी जैसी हालत रायबरेली की भी करने वाले हैं। वजह ये रही है कि ये चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस के भेदभाव करके गैर दलों के लोगों को तवज्जो दे करके इसमें काम किया गया, और जो हमारे पुराने निष्ठावान कांग्रेसी थे जिन्होंने अनुशासित तरीके से अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश की, उनको मनमाने तरीके से जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी जी ने और क्वाड्रिनेटर की मिली भगत से उनको निष्कासित कर दिया गया, जिन्होंने 25-30 साल से अपनी सेवाएं दी हैं कांग्रेस को, उनको निष्कासित कर दिया गया। ऐसे हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हम सब लोग इस्तीफा दिए हैं। कितने लोग इस्तीफा दिए हैं? हम 35 लोग रोहनिया ब्लॉक से अभी इस्तीफा दिए हैं। सबसे बड़ा कारण कि हम लोगों को उपेक्षित किया गया, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे जिनमें कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए जुनून था, जो आगे कांग्रेस को ले जाना चाह रहे थे, उनको पीछे किया गया। एक जेबू कांग्रेस बनाने का प्रयास किया गया कि वो कांग्रेस उनके जेब में रहे। आज वो दूसरे दल में है, आज वो हमारे दल में है, कल वो दूसरे दल में रहेंगे, तो उनके साथ पूरी कांग्रेस, ऊंचा हाथ विधानसभा की पूरी कांग्रेस उन लोगों के साथ में जाना चाह रही है, जाने का प्लान बनाया जा रहा है जो दूसरे दलों के लोग हैं। और जो स्थिति अमेठी की हुई है वो रायबरेली की करने की सोच है, साजिश है। तो आपके संगठन में किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? ऐसा किया गया, उपेक्षित किया गया? कांग्रेस में जिलाध्यक्ष है, हमारे कोऑर्डिनेटर है, और जो यहाँ के प्रभारी हैं उच्चहार के, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ, वो पूरी चयन कमेटी को जिम्मेदार मानता हूँ। रायबरेली से मेहताब अहमद की रिपोर्ट। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो सशस्ता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो, तुम कान खोल के सुने, कौन ऐसी बची पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों ला वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर।